पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आरती शुरू करते हैं ना। भाभी लेकिन अविनाश तो अभी तक आए नहीं है। मैंने कहा भी था उनसे कि आरती शुरू होने से पहले पहले आ जाना, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे किसी काम में फंस गए होंगे। तुम एक काम करो, तुम आरती की थाली ले आओ, हम आरती शुरू करते हैं, वो आ ही जाएंगे। ठीक है माँ। आरती शुरू करें। अरे तेरे पापा कहाँ चले गए? अंश बेटा जा जाकर पापा को बुला ला। जी माँ। अंश तू रुक, मैं देखती हूँ। लेकिन माँ इतने सालों बाद महाआरती, कोई खास वजह है? अंश तू जानता है ना हम सबके लिए कल कितना बड़ा दिन है, और मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत देवी माँ के आशीर्वाद से करे। अंश बेटा मैं जानती हूँ कि तू अब भी शादी के लिए तैयार नहीं है, पर सोच ना तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, और हम हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहेंगे ना। आधी के बारे में सोच, उससे भी तो एक माँ की जरूरत है ना? पिया बेटा ये देवी माँ की मौली परी के हाथ में बांध देना, ताकि इतने बड़े शहर में माँ उसकी रक्षा करे। जी गुरु। वैसे वो है कहाँ? हमेशा तो शाम की आरती के वक्त आती है, आज क्यों नहीं आई? क्योंकि आज वो अपने फ्रेंड से मिलने गई है, कल से उन्हें मिल नहीं पाएगी ना, इसलिए। तो फिर आरती हम दोनों है ना गुरुमा, हम कर लेते। ठीक है चले आरती शुरू करें। वैदेश्वरी आरती तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा लाडला आदित्य राठौर वो नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? अरे हाँ आदि आज तक स्कूल से टाइम पर आया है, क्यों आ जाएगा? अरे लेकिन मैंने उससे कहा था आज घर में आरती है, जल्दी आ जाए। भूल गया होगा माँ। चले हम आरती शुरू करते, आदि की वेट करने जाएंगे ना तो मुहूर्त निकल जाएगा। पिया बेटा तुम भी आरती करो। आदि क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ जल जाता तो जल जाए, पर मेरे पापा पे आज नहीं आनी चाहिए। क्या कर रहा था? हाथ जल जाता तो जल जाए, पर मेरी माँ पर आज नहीं आनी चाहिए। कुछ हुआ तो नहीं?
यही सोसाइटी है जहां पंडित जी रहते हैं। मुझे किसी भी हालत में उन्हें बचाना होगा। चलो कैसे पॉसिबल सर? बिना जलाए कोई इंसान राग कैसे बन सकता है? ये जरूर किसी काली शक्ति का काम है, लेकिन कौन हो सकता है? अविनाश, ये कोई वक्त है आने का? आरती पूरी भी होगी, मैंने कहा था ना आपसे टाइम से आने को। चेताली, एक बुरी खबर है। अविनाश, पक्का वो गजराज पंडित जी थे? भैया, घटनास्थल से जो फोन बरामद हुआ है उसे एग्जामिन करने के बाद हम इसी रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि वो गजराज पंडित जी ही थे। एक मिनट, फोन क्यों? आपने उनकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं की? बॉडी में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था अंश। ये देखिए, बॉडी की जगह सिर्फ राख बची। भगवान, अविनाश, बिना जलाए शरीर राख कैसे बन सकता है? कहीं ये किसी काली शक्ति का काम तो नहीं है? पता नहीं भाभी, हमने वहां किसी को नहीं देखा। जब हमने पंडित जी को गिरते हुए देखा तब भी वहां कोई नहीं था। 6 सालों से जिंदगी में कितनी शांति, कितना सुकून था। कोई काली शक्ति, कोई बुरा साया, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी अचानक फिर से। भाभी, आप क्या कह रही है भाभी? इसका मतलब वो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा? हे भगवान, भाभी, अंश के पास तो उसकी शक्तियां भी नहीं है, अब हम काली शक्तियों का मुकाबला कैसे करेंगे भाभी? माँ, आपने ही सिखाया है, लड़ाई ताकत से नहीं, विश्वास से लड़ी जाती है। भले ही मेरे पास मेरी शक्तियां ना हो, मेरा विश्वास आज भी है। वैद्यश्री, चैताली, तुम लोग खामखा परेशान हो रही हो जी। देखो, पंडित जी के साथ जो हुआ, जरूरी नहीं कि उससे कुछ हमारा लेना देना हो। मुझे नहीं लगता कि कोई संबंध है इसमें। और रही बात काली शक्तियों की, तो वो अब हमारे घर में क्यों आएंगी भला? इस बात को तुम लोग बेकार में इंपॉर्टेंस दे रही हो। हाँ भाभी, मुझे लगता है कि भैया ठीक कह रहे हैं। जो पिछले 6 सालों से नहीं हुआ वो अब क्यों होगा? अविनाश, भगवान करे कि आप जो कह रहे हैं वो सच हो। 6 सालों में तो हम सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन पंडित जी के साथ जो हुआ उससे सब कुछ फिर से याद आ गया। फ्लैशबैक रिवाइंड हो गया।
चक्कर तो सिर्फ इस बात का है, आदि उस वक्त बहुत छोटा था और आज उसे कुछ भी याद नहीं। आदि, बेटा आप अभी तक सोए क्यों नहीं? सुबह जल्दी उठना है ना। चलो सो जाते हैं। चलो गॉड, वैसे तो मैं अपना एप्लीकेशन आपको ईमेल कर देती, बट आपका ईमेल आईडी नहीं मिला ना, इसलिए मैं तो आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। आपको तो पता है कि कल मेरा और मम्मा का कितना स्पेशल डे है। मैं तो हैप्पी हूँ, बट मम्मा थोड़ी सी वरीड है। प्लीज गॉड, आप सब समा लेना। आप रोज तो इतना जल्दी सो जाते हैं, फिर आज क्या हो गया, क्यों नहीं सोए आप? क्योंकि मैं डर गया था पापा। मैंने है ना एक बहुत बड़ा राक्षस देखा, इतना बड़ा, और पता है पापा, उसके पास है ना मैजिकल पावर्स भी थे और वो फ्लाई भी कर रहा था। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ये राक्षस वाक्षस सिर्फ कहानियों में होते हैं। रियल लाइफ में ना कोई मैजिक होता है और ना कोई राक्षस। ओके, चलो सो जाओ। कम। हाँ पापा, परिया तो होती होगी ना? हमने जिसे अपना कहा, उसको ना उसकी खबर ना पता। सफर ना बेवफा, ख्वाबों को आंखों से बह जाने दो। नहीं बेटा, परिया भी नहीं होती। और वैसे भी तुमने ये कड़ा पहना है ना, ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। परसों मैथ्स टीचर मुझे पनिशमेंट दी थी, तब तो एक कड़े ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। आदि, मैथ्स टीचर से बच्चों को दुनिया की कोई ताकत प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, पर बाकी सब के लिए ये कड़ा है। चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। आंखें बंद। हो गया शेखर जी, मैं उन लोगों से फोन करके पूछ लूं क्या कि कल सुबह कब तक आएंगे वो लोग? अरे इतने सारे मिस्ड कॉल्स, क्या हुआ? पंडित जी के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स हैं मेरे फोन पर। पंडित जी के मिस्ड कॉल्स? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंडल से पहले वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे? शेखर जी, जो पंडित जी के साथ हुआ, अगर वाकई में उसका हमसे कोई संबंध हुआ तो? या बेटा, तुम मुंबई जा तो रही हो, पर तेरे लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उस शहर की बहुत सारी यादें तेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और फिर तू इस बार अकेली नहीं जा रही ना, तेरे साथ परी भी जा रही है, और परी के साथ उसकी वो सारी शक्तियां जिसकी वजह से तुझे शहर छोड़ना पड़ा। बेटा, गुरुमा तेरी बोली है, मैं नहीं चाहती परी को पता चले उसके पास शक्तियां हैं, क्योंकि शक्तियां
दुख और तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं। परी चलो। अपना ख्याल रखना गुरु, तुम्हें अपना ख्याल रखना बेटा। गुरुमा को टाटा बाय बाय बोल दो। बाय बाय गुरुमा, मुझे मिस जरूर करना। खुश रहना बेटा, हम चलते हैं गुरुमा। चल ना, उतावली काहे हो रही हो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाथ में थाली पकड़े चहलकदमी कर रही हो, तो आ जाएंगे। वो आती होगी। परी किसी को परेशान मत करना, ओके? बी अ गुड गर्ल। मैं तो गुड गर्ल ही हूँ मामा। मैं तो गुड गर्ल ही हूँ मामा। लगता है वो आ गई। कैसी हो? अच्छी। तो कैसी है बाबा? जय गुड़िया। बहुत अच्छी। फाइनली कौन आ गया? अरे मेरे मेरे कौन आ गया? कौन गुटगुटी कर रहा है? नमस्ते। लो अंश भी आ गया। This is for you. तो कब से आप लोगों की राह देख रही है? एक्चुअली भाभी को बेटी की सगाई की बेटे से ज्यादा खुशी। क्यों ना हो, बात ही खुशी की है। आइए ना, अंदर आइए। जिस वक्त का मुझे इंतजार था वो आ गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।